આજથી મહાત્મા મંદિર ખાતે G20ના ઉપલક્ષ્યથી આયુષ મંત્રાલય અને હુ દ્વારા 3 દિવસનો કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે, જેનું ઉદઘાટન કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા તેમજ યુનિયન કેબિનેટ મિનિસ્ટર આયુષ મંત્રાલય સંવર્ધન તેમજ ગુજરાતના આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આયુષ મંત્રાલયના સેક્રેટરી રાજેશ કોટેચાએ જણાવ્યું કે સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતને G20નું યજમાન પદ પ્રાપ્ત થયું છે, જેના વધુ એક સોપાનમાં ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર અને ગિફ્ટ સિટી ખાતે આરોગ્યના મુદ્દાઓ સાથેની G20 બેઠક યોજવામાં આવશે, જેમાં ખાસ કરીને ભારત દેશની પ્રચલિત અને આયુર્વેદિક સારવારને મહત્વ આપવાનું આયોજન કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આગામી દિવસોમાં આયુર્વેદિક ડોક્ટરો, પેરામેડિકલ સ્ટાફ વિદેશ જઈને દર્દીઓની સારવાર કરી શકશે, ઉપરાંત વિદેશના પ્રવાસીઓને ભારતમાં સારવાર અર્થે ખાસ સુવિધાઓ આપવામાં આવશે. ગાંધીનગર ખાતે શરૂ થનારી G20 આરોગ્ય બેઠકમાં આયુષ મુદ્દે પણ ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવશે. વર્ષ 2024 સુધીમાં આયુષ દવાની માંગ ફક્ત $3 મિલિયન હતી, જે હવે $24 મિલિયન થઈ છે, જ્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના બાદ આયુર્વેદિક સારવાર અને દવાઓની માંગમાં 8 ગણો વધારો થયો છે. ત્યારે આરોગ્ય મુદ્દાની G20 બેઠકમાં 97 દેશોના વડાઓ સાથે ફક્ત આયુષ મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવશે. સમગ્ર દેશમાં 12,500 જેટલા આયુષ કેન્દ્રો અને દેશના તમામ જિલ્લા તાલુકામાં યોગ કેન્દ્રો કાર્યરત થયા છે. सत्रह और 18 अगस्त को गांधीनगर में जो महात्मा मंदिर है वहां पर WHO के द्वारा और साथ ही साथ G20 के तहत जो है आयुष मंत्रालय की तरफ से जो वैश्विक सम्मेलन जो है वो यहां पर किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी जो दवाओं को परंपरागत दवाओं को लेकर बहुत सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर डिस्कस होगी. साथ ही साथ बहुत सारे एग्जीबिशन भी जो है वो यहाँ पर रखे गए महात्मा मंदिर में. यहाँ पर जो यशोदा मेडिसिटी से जो कि यूपी और दिल्ली से बिलोंग करते हैं वहां से वो लोग यहाँ पर अपना एग्जीबिशन लेके आए, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पर आए उनको कैसा लगा. क्या नाम है सर आपका? धन्यवाद. मैं डॉक्टर सुनील डागर, मैं CEO यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी इन यशोदा मेडिसिटी. हमारा हॉस्पिटल मेडिसिटी और यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली NCR में बेस्ड है और ये एक 300 बेडेड और 1200 बेडेड मेडिसिटी है हमारे पास. और वी आर इन टू वेरियस मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें कैंसर, हार्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, रोबोटिक्स, AI, इससे संबंधित विभिन्न बीमारियों का हमारे यहाँ इलाज होता है. हम लोग ये एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया, वन अर्थ वन हेल्थ, हील इंडिया हील बाय इंडिया के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे एज अ एग्जिबिटर आए हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस इनिशिएटिव के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा मेडिकल वैल्यू ट्रैवल यानी बाहरी देशों से जो लोग हैं वो यहाँ आके हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, अच्छा इलाज पा सकते हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे पा सकते हैं. और बहुत ही बड़े अर्जे से और बड़े जोरों शोरों से ये पूरा प्रमोट कर रही है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को. पहले जो अड़चने आती थी जैसे वीजा को लेके, वो सारी अड़चने अभी दूर की गई हैं. कई कंट्रीज में हमारा ई वीजा है, कई कंट्रीज में हमारा आयुष वीजा अभी हाल ही में पिछले महीने शुरू किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, क्योंकि पूरा पॉलिसी में Chapter 11A इंट्रोड्यूस कर देना एक बहुत अपने आप में ही बड़ी बात है. तो उससे मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का बहुत बढ़ेगा और ना ही सिर्फ एलोपैथिक में बट हर्बल और यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, इन सब में भी और वेलनेस के लिए स्पेशली जो लोग दूर दूर से चल के हमारे पास आते हैं, जिसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसके लिए ये बहुत जरूरी था और जो एक बहुत हिस्टोरिक स्टेप है ये. यानी देखा आपने कि 17 और 18 अगस्त को जिस तरह से जो आयुष मंत्रालय और साथ ही साथ WHO के द्वारा ये जो एग्जीबिशन जो यहाँ पर रखा गया, इसमें बहुत सारे देशों के जो एग्जीबिटर्स हैं वो भी यहाँ पर आए, तो साथ ही साथ बहुत सारे विजिटर भी यहाँ पर आए. इसे जो खास करके अगर बात करें तो टीबी के भी खिलाफ जिस तरह से जो मुहिम जो सरकार ने चलाई उसमें भी तेजी किस तरह से लाई, उसको किस तरह से जो है और गति से बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से पूरी तरह से उसको नियंत्रित किया जा सके. बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके ऊपर इस जो मंत्रिमंडल जो बैठने वाला है मंत्री स्तरीय चर्चा भी इस जो 17 और 18 अगस्त के दरमियान यहां पर महात्मा मंदिर में होगी. कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद.